आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरोग्य संजीवनी में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक चमत्कारी जड़ी बूटी पुनर्नवा के बारे में। पुनर्नवा का सांस्कृतिक पर्याय सुधाग्नि सूजन को हरने वाली है। पुनर्नवा साटी या बिस्खपरा नाम से विख्यात है। आपके लोकल लैंग्वेज में इसका क्या नाम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह वनस्पति वर्षा ऋतु में बहुतायत में पाई जाती है। शरीर की आंतरिक एवं बाह्य सूजन को दूर करने के लिए यह बहुत अत्यंत उपयोगी है। यह तीन प्रकार की होती है, सफ़ेद, लाल एवं काली। काली पुनर्नवा प्रायः देखने में नहीं आती, सफ़ेद ही देखने में आती है। काली प्रजाति बहुत कम स्थलों पर पाई जाती है, जैसे तांदूल तथा पालक की सब्जी बनाते हैं वैसे ही पुनर्नवा की सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसकी सब्जी शोथ सूजन नाशक मूत्र तथा शोधवर्धक है। पुनर्नवा कड़वी उष्ण तीखी कसैली रुचि अग्निदीपक रुक्ष मधुर खारी सारक मूत्रल एवं हृदय के लिए बहुत लाभदायक है। यह वायु कफ सूजन खांसी बवासीर व्रण पांडु रोग विष दोष एवं शूल का नाश करती है। पुनर्नवा में से पुनर्नवादि क्वाथ पुनर्नवा मंडूर पुनर्नवा मूल घनवटी पुनर्नवा चूर्ण आदि औषधियाँ बनती हैं। बड़ी पुनर्नवा को सासोटी वर्षाभू कहा जाता है। इसके गुण भी पुनर्नवा के जैसे ही हैं। औषधीय प्रयोग, नेत्रों की फूली। पुनर्नवा की जड़ को घी में घिसकर आँखों में आजने से आँखों की फूली समाप्त हो जाती है। नेत्रों की खुजली, पुनर्नवा की जड़ को शहद अथवा दूध में घिसकर आँजने से लाभ होता है। नेत्रों से पानी गिरना, पुनर्नवा की जड़ को शहद में घिसकर आँखों में आजने से बहुत लाभ होता है। रतौंधी, पुनर्नवा की जड़ को कांजी में घिसकर आँखों में आँजे। खूनी बवासीर, पुनर्नवा की जड़ को हल्दी के काढ़े में देने से बहुत लाभ होता है। पीलिया, पुनर्नवा के पंचांग जड़ छाल पत्ती फूल और बीज को शहद एवं मिश्री के साथ लें अथवा उसका रस या काढ़ा पिए। मस्तक रोग व ज्वर रोग, पुनर्नवा के पंचांग का 2 ग्राम चूर्ण 10 ग्राम घी एवं 20 ग्राम शहद में सुबह शाम देने से बहुत लाभ होता है। जलोदर, पुनर्नवा की जड़ के चूर्ण को शहद के साथ खाएं। सूजन, पुनर्नवा की जड़ का काढ़ा पिलाने से सूजन पर लेप करने से बहुत लाभ होता है। पथरी, पुनर्नवा को दूध में उबालकर सुबह शाम पिए जिससे पथरी गलकर मूत्र रास्ते बाहर आ जाएगी। विष, चूहे का विष, सफ़ेद पुनर्नवा के मूल का 2-2 ग्राम चूर्ण 10 ग्राम शहद के साथ दिन में 2 बार लें। पागल कुत्ते का विष, सफ़ेद पुनर्नवा के मूल का 25 से 50 ग्राम रस 20 ग्राम घी में मिलाकर रोज पिए। विद्रोही फोड़ा, पुनर्नवा के मूल का काढ़ा पीने से कच्चा अथवा पका हुआ फोड़ा भी मिट जाता है। अनिद्रा, पुनर्नवा के मूल का क्वाथ 100-100 ग्राम दिन में 2 बार पीने से निद्रा अच्छी आती है। संधिवात, पुनर्नवा के पत्तों की भाजी सोठ डालकर खाएं। वात कंटक, वायु प्रकोप से पैर की एड़ी में वेदना होती है तो पुनर्नवा में सिद्ध किया हुआ तेल और पैर की एड़ी पर घिसें एवं सेक करें। योनिशूल, पुनर्नवा के हरे पत्तों को पीसकर बनाई गई उंगली जैसे आकार की सोगटी को योनि में धारण करने से भयंकर योनिशूल भी मिटता है। विलंबित प्रसव, मूढ़ गर्भ, पुनर्नवा के मूल के रस में थोड़ा सा तिल का तेल मिलाकर योनि में लगाएं, इससे रुका हुआ बच्चा तुरंत बाहर आ जाता है। गैस, 2 ग्राम पुनर्नवा के मूल का चूर्ण 0.5 ग्राम हींग तथा 1 ग्राम काला नमक डालकर पिए। स्थूलता में मेद वृद्धि अथवा मोटापा में, पुनर्नवा के 5 ग्राम चूर्ण में 10 ग्राम शहद मिलाकर सुबह शाम लें। पुनर्नवा की सब्जी बनाकर खाएं। मूत्रावरोध, पुनर्नवा का 40 ml रस अथवा उतना ही काढ़ा पिए। पुनर्नवा के पान बाफकर पेड़ों पर बांधें। 1 ग्राम पुनर्नवा क्षार आयुर्वेदिक औषधियों की दुकान पर मिलेगा। गर्म पानी के साथ पीने से तुरंत फायदा होता है। खूनी बवासीर, पुनर्नवा के मूल को पीसकर फीकी छाछ
200 ml या बकरी के दूध 200 ml के साथ पिए। पेट के रोग, गोमूत्र एवं पुनर्नवा का रस समान मात्रा में मिलाकर पिए। स्लीपद हाथी रोग अथवा फिल्पा, 50 ml पुनर्नवा का रस और उतना ही गोमूत्र मिलाकर सुबह शाम पिए। वृषण शोथ, पुनर्नवा का मूल दूध में घिसकर लेप करने से वृषण की सूजन मिटती है। यह हाइड्रोसोल में भी बहुत फायदेमंद है। हृदय रोग, हृदय रोग के कारण सर्वांग सूजन हो गई हो तो पुनर्नवा के मूल का 10 ग्राम चूर्ण और अर्जुन की छाल का 10 ग्राम चूर्ण 200 ml पानी में काढ़ा बनाकर सुबह शाम पिए। श्वास रोग अथवा दमा रोग, 10 ग्राम भारंग मूल चूर्ण और 10 ग्राम पुनर्नवा चूर्ण 200 ml पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं। जब 50 ml बचे तो उसमें 0.5 ग्राम भृंग भस्म डालकर सुबह शाम पिए। रसायन प्रयोग, हमेशा उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए रोज सुबह पुनर्नवा के मूल या पत्ते का रस 2 चम्मच 10 ml रस में पिए अथवा पुनर्नवा के मूल का चूर्ण 2 से 4 ग्राम की मात्रा में दूध अथवा पानी से लें, या सप्ताह में 2 दिन पुनर्नवा की सब्जी बनाकर खाएं। पुनर्नवा में मूंग व चने की छिलके वाली दाल मिलाकर इसकी बढ़िया सब्जी बनती है। ऊपर वर्णित तमाम प्रकार के रोग हो ही नहीं सकते, स्वास्थ्य बना रहेगा इसलिए इसकी सब्जी या ताज़े पत्तों का रस काली मिर्च व शहद मिलाकर पीना हितवाहक है। बीमार तो क्या, स्वास्थ्य व्यक्ति भी अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए इसकी सब्जी खा सकते हैं। भारत में यह सर्वत्र पाई जाती है। और आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।